सीटेट 2000, जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि सीटेट 2019 की परीक्षा की तिथि और आवेदन की तिथि तो प्रारंभ हो चुकी है। उसके विषय में आपको ये बताना चाहेंगे कि यह अभी जो ये न्यूज़ है, ये अभी सीटेट की वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं, मतलब सीटेट.nic पे यह अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास भी आया, आपके पास भी हम लोगों ने भेज दिया। लेकिन हिंदुस्तान की न्यूज़ देख रहे हैं, लाइव हिंदुस्तान की ये खबर पर, उसके आधार पर ये हिंदुस्तान लाइव है जिन्होंने इस न्यूज़ को बताया, पुष्टि किया है कि ये सही है। लेकिन अभी इस मामला संशय का है कि वास्तव में ये ऑफिशियल न्यूज़ है अथवा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिंदुस्तान न्यूज़ को आधार बनाकर यह कहा जा सकता है कि जो सीटेट की आगामी परीक्षा है, देख रहे हैं आप, सीटेट 2019 CBSE ने घोषित की, CTT दिसंबर 2000 तिथि, ये है पूरा शेड्यूल, उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया। और ये देखिए, उन्होंने टाइमिंग भी दिखाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह टाइमिंग उन्होंने दिखाया है 16 अगस्त 5:11, जैसे जब हमने ओपन किया तब उसके पहले ये 3:54 पर इन्होंने अपडेट किया था अपना। तो अपडेट करने के बाद ये पूरा ये बता रहे हैं कि CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता 2019 तिथि का घोषित कर दिया है, और जो परीक्षा तिथि दिखा रहे हैं वे 13वें संस्करण का आयोजन 8 दिसंबर 2019 को किया जाएगा, और CTT दिसंबर की परीक्षा पूरे देश में 110 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। 19 अगस्त को जारी होगा नोटिफिकेशन, परीक्षा में भाषा योग्यता सिलेबस शुल्क समेत तमाम जानकारियाँ होंगी। मतलब उन्होंने ये बताया है कि यह 19 अगस्त को, उन्होंने ये बताया, यहाँ इस लाइन को यहाँ पढ़िएगा कि 19 अगस्त को जारी होगा नोटिफिकेशन, ठीक है, 19 अगस्त को होगा क्या, परीक्षा में जो आवेदन है वो प्रारंभ होगा, और साथ ही साथ ये सिलेबस शुल्क सहर समेत तमाम जानकारियाँ होंगी। 19 अगस्त को जारी होगा नोटिफिकेशन, अपने परीक्षा में नोटिफिकेशन योग्यता सिलेबस सब कब जारी होगा, 19 अगस्त को जारी होगा नोटिफिकेशन, CBSE.in पर जारी होगा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सीटेट दिसंबर 2019 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हो जाएगी, और 19 अगस्त को यह विज्ञप्ति भी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर तय की गई है, और 23 सितंबर को 3:30 बजे तक फीस भुगतान किया जा सकेगा। अच्छा, एक बात ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि CTT की जो परीक्षा होगी अब एक साल में 2 बार होगी, तो इसके पहले उन्होंने दिखाया है कि इसके पहले जुलाई में आयोजित की जा चुकी है 7 जुलाई को, जिसमें ठीक जिसका रिजल्ट 30 जुलाई को आ गया था, इसमें 29,22,000 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराया था और 23,77,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। CBSE माने तो इस बार CTT का परिणाम मात्र 23 दिनों में जारी किया गया, इसमें 3,52,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जो परीक्षा 114 शहरों में आयोजित की गई थी। तो बस इस आधार पर हम लोगों ने भी यह CTET की जो शेड्यूल है ये हमने अपने फेसबुक पे, अपने टेलीग्राम पे मैंने बता दिया है, और हमारे ऑनलाइन क्लासेज भी उपलब्ध हैं और नोट्स भी हमारे उपलब्ध हैं। यदि किसी भी अन्य समस्या के लिए आप हमें टेलीग्राम e-learning पे दुर्गेश सर्च करके, या दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए आप दुर्गेश सर DURGESH दुर्गेश सर सर्च करके e-learning पे दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और UPTT CTT SuperTT इन सभी की जानकारी और नोट्स, वीडियो लेक्चर सब आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। साथ ही साथ आप फेसबुक e-learning भी दुर्गेश सर्च करके हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो यह जानकारी जो सभी तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया जो हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि CTT दिसंबर 2019 को परीक्षा पूरे 110 शहरों 20 भाषाओं में आयोजित होगी, और 19 अगस्त को जारी होगा। कब होगा ये, 19 अगस्त को नोटिफिकेशन, परीक्षा की भाषा योग्यता सिलेबस समय सभी चीज़ें जो जारी होंगी वो कई तारीख होंगी। लेकिन उन्होंने देखा ना कि 29 अगस्त को नोटिफिकेशन, परीक्षा भाषा योग्यता सिलेबस शुल्क समेत तमाम जानकारियां होंगी, और नोटिफिकेशन www.cbse.in पर जारी होगा। मतलब इन्होंने भी एक कयास लगाए हुए हैं कि भविष्य में जारी होगा। फिर भी आप अपनी तैयारी UPTT CTT करते रहिएगा। हमने हिंदुस्तान न्यूज़ के आधार पर ये न्यूज़ दिया है, अभी सत्यता तब तक पुष्टि नहीं होगी जब तक CBSE अपने वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित नहीं कर देता, ऑफिशियल साइट पर प्रदर्शित नहीं कर देता। लेकिन फिलहाल हम आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से CTET ने जल्दबाजी की है, सारी चीज़ों को एक साथ समय के पे दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में CTET परीक्षा आगामी जल्द से जल्द सूचना जारी होगी, या अथवा यही सूचना सही होगी। फिर भी आप लोग पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। UPTT CTT SuperTT की तैयारी के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी पहले से क्वालिफाई हैं तो आगामी आप SuperTT की तैयारी में लग जाइए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बस इतनी